सबको गणपति चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबने मुझे चॉकलेट मोदक के लिए बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैं आज एक न्यू रेसिपी से आई हूँ। उसका नाम है पंचामृत। तो ये पंचामृत क्या होता है? पंचा मतलब पांच, और ये पांच चीजें अगर हमने मिलाए तो उसका नाम होता है पंचामृत। पंचामृत का सेवन हम भगवान को भोग लगाने के समय हम लगाते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। तो चलो अब हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद उसका महत्व। अब हम इसके लिए लेंगे घी, हनी, दूध, घी और शक्कर। इसके लिए हम चांदी की कटोरी लेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप स्टील की ले सकते हैं, नहीं तो चीनी माटी और मिट्टी। कभी भी तांबे का यूज मत करना, क्योंकि तांबा खट्टी चीजों को डैमेज कर देता है। अब हम 2 स्पून घी लेते हैं। अब हम सेम चम्मच से शुगर लेते हैं, 2 स्पून। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपके हिसाब से दूध डाल सकते हो। तो अगर आपको पंचामृत पतला चाहिए होगा तो 4 और 5 स्पून, ठीक है। अगर खट्टा तो 2। मैं तो 2 डाल रहा हूँ। तो अभी इसको मिक्स करते हैं। अब हम लेते हैं 1 चम्मच हनी डालते हैं। अभी मिक्स करते हैं। बोलते हैं घी और हनी कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, पर आयुर्वेद कहता है कि घी और शहद समान मात्रा में नहीं लेना है, विषम मात्रा में लेना है। कि घी हम 2 चम्मच ले रहे हैं और शहद 1 चम्मच, पर अगर हमने समान आर्द्रता में लिया तो इसका असर स्लो पॉइजन होता है, इसलिए विषम मात्रा ही ठीक है। हम बापा को भोग लगाने और अब हम डालने वाले हैं तुलसी का पत्ते। तो इसको पंचामृत का इंग्रेडिएंट सिर्फ पापा को भोग लगाने के लिए डाल रहा हूँ। तो पापा को भोग लगाते हैं। जी तो कैसा लगा वीडियो? तो मैं इसका महत्व बताता हूँ। रोजाना सेवन करने से हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है और हमको भूख लगती, पित्त और कफ। पंचामृत बैलेंस रखता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी नर्वस सिस्टम और ब्रेन बैलेंस रखती है, हमारी स्किन और आंखों की रोशनी अच्छी होती है। आप पूछोगे इसका सेवन कब करना है अंशुल? तो सुबह हमको इसका सेवन करना है। मैंने की बेबी लेक से लेके दादा दादी भी पी सकते हैं, सभी आयु में इसका सेवन कर सकते हैं। आपको कैसी लगी रेसिपी और उसके बेनिफिट्स? मुझे ढेर सारा सब्सक्राइब और शेयर, लाइक जो भी आपको करना है। आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताना, और बेनिफिट्स भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलो मत। बाय।